आज की वीडियो में हम आपको डालासिन C300mg कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसको कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको डालासिन C300mg कैप्सूल के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो डालासिन C300mg कैप्सूल, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 297 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है, जो कि 10 कैप्सूल का एक स्ट्रिप आता है। और इसकी मार्केट प्राइस समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको फाइजर लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो डालासिन C300mg कैप्सूल में क्लिंडामाइसिन होता है, जो कि प्रत्येक कैप्सूल में 300mg होता है। और आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। डालासिन C300mg कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो यह एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, गले में खराश हो, खांसी आ रही हो, गले में दर्द या सूजन हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा RTI यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। वाई नली या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया, इन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन में दाने निकल गए हों, खुजली हो रही हो, त्वचा में लालीपन या सूजन हो गया हो, इसके अलावा चेहरे पे दाने निकल गए हों, पिंपल्स की समस्या हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हड्डियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, हड्डियों के जोड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दांतों या मसूड़ों में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कान के मध्य भाग में दर्द या सूजन हो, फुंसी हो गई हो, या नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इसके मुख्य यूजेज हैं। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल कई अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। डालासिन C300mg कैप्सूल को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस कैप्सूल का जो नॉर्मल डोज एक एडल्ट व्यक्ति के लिए होता है, वो एक गोली सुबह और एक गोली शाम खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। लेकिन इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और कितने दिन इस्तेमाल करना है यह समस्या के ऊपर निर्भर करता है। और आइए जान लेते हैं डालासिन C300mg कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, गैस बनना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और इसमें मौजूद कंटेंट से अगर किसी को एलर्जी है तो कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में खुजली होना, दाने निकलना, लाल चकत्ते होना, तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो इसको लेने के बाद अगर ये सब समस्याएं होती हैं या इसके अलावा कोई समस्या होती है तो इसको बंद करके अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। तो ये थी हमारी आज की जानकारी डालासिन C300mg कैप्सूल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।